नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने अलग अलग थानों में केस दर्ज किया है। पहला मामला इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र का सामने आया है। यहां आरोपी महिला के घर के पड़ोस में ही रहता है। आरोपी लगातार महिला को परेशान करता है और छेड़छाड़ करता है। महिला ने थाने पहुंचकर छेड़छाड़ और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करेगी। वहीं दूसरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां द्वारकापुरी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता ने बताया कि आरोपी घर पर जाकर उससे अश्लील हरकत करता है। जब पीड़िता नाबालिग इसका विरोध करती है तो युवक के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद घबराई पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तीन थाना क्षेत्रों में छेड़छाड़, हमारे यहाँ जो है वो थाना रावजी बाजार में, चंदन नगर में और द्वारकापुरी में तीन अलग अलग फरियादियों के द्वारा तीन अलग अलग आरोपियों के विरुद्ध जो है वो छेड़छाड़ के प्रकरण पंजीबद्ध कराए गए, जिसमें विवेचना करके और शीघ्र ही आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।